कैसे हो आप? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। अभी बज रहे 11 और अभी भी जो घर का काम है वो चल ही रहा है और शायद अभी काम और चलते ही रहेगा। तो फिलहाल अभी मम्मी ने जो कुछ ही बनाया होगा वो खा लेते हैं। और मम्मी आज भी घर पे ही है। मम्मी की तबीयत फिलहाल उतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि ऑफिस जा सकते हैं। तो मम्मी भी घर पे, पापा भी घर पे, और आज 3-4 काम भी है। तो पहले तो खाना खाते हैं, फिर फटाफट से जो कुछ काम बचे हुए वो भी कर लेते हैं। अभी मैंने खाना वाना खा लिया और मम्मी ने अचानक से बोल दिया कि स्टेशन जाना पड़ेगा कुछ काम से। तो कहे तभी मैं जाता हूँ स्टेशन, और वहाँ पे कुछ तो डिलीवरी आई है तो वो लेके आता है स्टेशन जाके। अभी मम्मी तो यहाँ पे चल नहीं सकती, मम्मी की यहाँ पे तबीयत खराब है और सब काम मेरे को करने पड़ रहे घर के। अभी पापा तो घर के काम में बिजी है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी अभी फिलहाल मेरे ऊपर आ चुकी है। तो सारे काम मेरे को ही करने पड़ रहे अभी। तो जाते फटाफट से स्टेशन से। अभी तो मैं आ गया और भाई साहब इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि स्कूटी चलाना मुश्किल हो रहा था। कम से कम नॉर्मली मेरे घर से रेलवे स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से भाई मेरे को 20 मिनट लग गए, मतलब डबल टाइम लग गया। बट फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ और मम्मी के लिए जो डिलीवरी आई थी वो भी मैंने दे दिया फटाफट से। तो अभी बज रहे हैं 3 और शीतल भी अभी घर पर आ चुकी है, आज थोड़ा जल्दी आ चुकी है। और मम्मी गई है बाहर कुछ पपैया लेने के लिए, क्योंकि आज जो है गुरु पूर्णिमा, तो शायद आज गोड़ बड़े वगैरह बनाने का प्रोग्राम है। तो सभी लोगों को गाइस आयुष फैमिली की ओर से सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो फिलहाल मैं अभी घर पर आ चुकी हूँ और इतने जल्दी मेरा आने का रीज़न यही था कि मैंने इतने दिनों से इंस्टाग्राम पर कुछ भी वीडियोस वगैरह नहीं डाले थे, अपलोड नहीं किए थे। और जो आज का वेदर भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन है, बहुत अच्छा वेदर है, मतलब क्लाउडी क्लाउडी सा। तो गाइस ऐसे में ना इंस्टाग्राम पर जो रील्स वगैरह पर शूट करेंगे ना वो काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे होने वाले, तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई कि इंस्टाग्राम पर मतलब रील्स वगैरह शूट कर लेंगे। तो बस अभी कर लेते हैं और आपको बिहाइंड द सीन भी आपको दिखा देंगे। कर दिए तो यहाँ पे मम्मी के हाथ पापा, एक्चुअली मम्मी ने नहीं बनाया, पापा ने बनाई है। मुरई का चूड़ा मस्त टेस्टी खाने में, मतलब गरम गरम है, हल्का सा बारिश का भी मौसम आ गया तो ये गरम गरम चूड़ा खाने में मजा आ जाएगा बिल्कुल पापा के हाथ का। पता है जब मेरा रिजल्ट आया था मैंने मोबाइल में चेक किया तो मैंने बोला कि 86% आ गया। मम्मी बोलती ध्यान से तुमने किसी और का देख लिया होगा, मतलब मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं था कि मेरे को 86 आओगे। पढ़ाई कितनी रहा था तो लगती है सच में आंटी, पढ़ाई कितनी इसने रात रात भर जग जग के पढ़ाई करता। मेरी मम्मी शौक बोले इसको अच्छे से शायद तो आएगा सर। वो ऑलरेडी मिला हुआ, पता नहीं उसको क्या मिला रही है, मिले हुए को और ऐसे ऐसे मिला रही है। इसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है मेरे से। भाव सही बात है, मेरा ही रिकॉर्ड करके डालता आंटी है, सभी का डालता हूँ मैं। गौरव भैया का भी खा के हो गया, पप्पा का भी हो गया, मम्मी का भी हो गया। और पता है हम लोगों ने खा ली, इसने डबल मंगा ली अपने लिए और खा रही है अभी। मैंने तो खाली एक प्लेट खाया, इसकी दूसरी प्लेट चल रही है। शीतल मेरे को भी बाल काटना है इससे सामने से। कमेला कट करना है तुमको भी? नहीं ये सब बाल पूरे झड़ गए मेरे, लेकिन नहीं वैक्सीन से झड़ गए। मम्मी को भी गमेला कट करना है? नहीं गमेला नहीं पापा, जिसने गमेला। तो
गाइज अभी हमारे ना काफ़ी ज़्यादा प्लान थे बाहर घूमने फिरने के, लेकिन यार बादल इतने ज़्यादा आ चुके हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश वारिश आ जाएंगी अगर अभी हम जल्दी घर पे नहीं पहुँचे ना तो पूरे गीले हो जाएंगे। वैसे तो अभी थोड़ी बहुत बारिश आ रही है, अगर हम जल्दी घर पे नहीं पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बारिश आएंगी। तो यहाँ पे घर का काम चल ही रहा, यहाँ पे टाइल्स तो लग चुकी है, बस अभी फिनिशिंग बची है। और यहाँ पे बाहर आ चुका है भटूरा, जो कि बहुत देर से मैं अंदर काम कर रहा था और भटूरा आ गया, तो भटूरे को दे देते हैं अभी इसकी खुराक। अरे भटूरे क्या घूम रहा था, ये ले। की उम्र हुई खेती का, मैं छह माह जितना पैसा लगाता हूँ उतना अनाज मेरे को होता है, जितना मैं लगाता खर्च करता हूँ कोई फायदा नहीं है। लेकिन बताओ कैसा है, लोग हंसेंगे, माँ बाप की है, बाप दादा की है, पर्याव रखता है, नहीं तो ये कमाना अच्छा है। आगे तो अब वहां साले झक मार के जाना है पानी आएगा तो, अब होना जाना कुछ ही नहीं, दस बोरे के ऊपर नहीं होते, दस बोरे धान लगे सात कुंटल 15-16 सौ के भाव से बेचो, ज्यादा होते उनको मजा है, मेरे को तो किसान में इंटरेस्ट नहीं। मैड बाजी के साथ लेके ऐसे चला है, मैड बाजी के साथ ले तो आपने किए क्यों तो दूसरे, तो जब जवान था ना मिस्त्री काम पे आती थी कि नहीं, मिस्त्री तो काम पे आती थी तो तुमने सीधा बोले घर चल करके। ऐसा है मतलब लव मैरिज। तो जब जब काम पे आती तो उनको तो जब वो काम पे आती थी तो फिर मतलब तुम उसको हल्का हल्का काम देते थे क्या, पास पास वाला। अपने पास बच कर गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए सब बना रही हूँ ये मीठे बजे गाइस। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा में ऐसे कुछ मीठा बनाते हैं, तो मम्मी ने आज बनाई है ये क्या बोलते इसको, पपीता के मीठे बजे बोले से गुलगुले। हाँ तो आप इसको जो भी बोलते हो ये टेस्टी लग रहे खाने के लिए। हाँ। और मीठे मीठे भी है पपीता के, और ये मम्मी गरम गरम भी बना रही है, इसको कुमड़े से भी बनाते हैं। हाँ ये कुमड़े से भी बनते और पपीता से भी बनते ना, जो कच्ची पपीता होती है ना उससे बनते है, इसको कहते हैं मीठे बजे। तभी मैं उठा लेता और पापा को दे देता हूँ गुलगुले। हाँ जो भी हो जो लो पापा। तो मैं भी एक टेस्ट कर लेता हूँ, कैसा है? बहुत मस्त, मजा आ रहा है, गरम मतलब से बारिश में गरम गरम खाने का मजा ही कुछ और है क्या। हाँ बारिश में गरम गरम खाओ, बढ़िया घर में बैठ के फैमिली के साथ, फैमिली के साथ उसका मजा ही कुछ और है। गरम बहुत है, क्यों खा के नहीं हो रहे, बहुत गरम है। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं और पापा मम्मी सबने खाना खा लिया। और मैंने आपको जो एक क्लिप दिखाया थी ना सबसे पहले, वो हमारे घर पे जो काम चल रहा है टाइल्स का वो वही कर रहे हैं, और साथ ही में वो किसान भी है, तो किसान को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बारिश में और कितना कम अर्निंग वो जनरेट करते, इसलिए मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए वो वीडियो डाल दी थी। एक्चुअली वीडियो नहीं थी, वो क्लिप थी छोटी सी, डाल दी ताकि आपका थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ जाए। वैसे उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई थी किसान मतलब किसानी को लेके, कि कितना कम रिवेन्यू जनरेट होता है। एक एवरेज के थ्रू उन्होंने बताया कि मतलब जितना पैसा वो लगाते हैं अनाज में, क्योंकि खाद लेना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जितना वो पैसा लगाते उससे खाली 1-2 हज़ार ही कमा पाते। जैसे उन्होंने 8,000 रुपये लगाया है तो मात्र वो 11-12 हज़ार रुपये कमाते, और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको इस व्लॉग में मज़ा होगा, अगर मज़ा आया होगा तो एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब कर देना।